शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें पकड़ना होगा, वो चोर भाग जाएगा। कीर्ति, होश आ गया। हमें जाना होगा, कुछ नहीं हुआ है। कीर्ति, हमें जाने दीजिए। कीर्ति, कीर्ति, शांत हो जाओ। अभी तुम्हारी हालत नहीं है कहीं जाने की, तुम्हें आराम की जरूरत है। तो तुम्हारी बहुत खून बहा है। हमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, हमें जाने दीजिए। कीर्ति, शांत हो जाओ। मुझे बहुत गहरी चोट आई है, जब तक ये ठीक नहीं होगा तो उन सबसे लड़ेगी कैसे? दीदो, आप समझ नहीं रही है, हमारे पास ना वक्त बहुत कम है। ये हमारी नौकरी का सवाल है, और वो चोर भाग जाएगा, हमें उसे पकड़ना। रुक जाओ, ये तुम शांत हो जाओ बस। समझिए आप, हमें जाना है। वो चोर, आप लोग नहीं समझ रहे, वो चोर भाग जाएगी, हमें पकड़ना है उन्हें। तुम शांत हो जाओ, निकल जाएंगे। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, बस आराम से। वरुण जी, आराम से, तुम अभी लेट जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। पकड़ना है उन्हें, जो वरुण जी, मैंने कीर्ति को नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अब उसे बस आराम की जरूरत है, कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। लेकिन इनके घाव, इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा ना? अब नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। घाव ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर से कट था, मैंने स्टिचेस और पट्टी कर दी है जिससे उसका खून बहना रुक गया है। आप अभी तक घर नहीं आए, कहाँ हैं आप? कीर्ति, मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं समय पे वापस आ जाता तो मैं कीर्ति के पास होता, उससे बचा पाता। हाँ मम्मी, मैं कीर्ति को बचा लेता, मैं उसे कुछ नहीं होने देता। लेकिन प्लीज इस तरह से आप खुद को दोष मत दीजिए। जिस किसी ने भी हमारी कीर्ति पर हमला किया है ना, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, ताकि वो ऐसी हरकत कभी दोबारा करने की सोचेगा भी नहीं। श्रद्धा, हमें कीर्ति को अब आराम करने देना चाहिए, और तुम्हें भी तो घर निकलना चाहिए ना, बहुत रात हो गई है। बिल्कुल नहीं, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती, इसे होश नहीं आ जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, यशवी जी को तो अभी पता भी नहीं है कीर्ति की हालत के बारे में, अगर आप भी घर नहीं पहुंचे तो वो परेशान हो जाएंगी। हम सब है ना उनके साथ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन करके बुला लेंगे, आप जाइए। कुणाल, तुम श्रद्धा को छोड़ दो घर। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। रुको, ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, बाहर अभी भी खतरा है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर पे। घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू। तुम्हारी बहन तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है, तुम देखना कल तक भागने दौड़ने भी लग जाएगी। कुछ कहना चाहती हूँ मुझसे? अब कुछ कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ? ये कि उस वक्त आप कमरे से अचानक कहाँ चले गए? मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे थे किचन से कमरे तक पानी लाने में, और जब मैं आई तो देखा आप कमरे में नहीं है। वो अरे यार, तुमने फिर से ये बीवियों वाली हरकतें करना शुरू कर दी। मुझसे ना ऐसे सवाल मत पूछा करो तुम, पर बहना के बहाने ना मेरे घर नहीं पड़ी रहना।
मेरा मतलब है कि भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने पास यहीं बुला लो। घर से दूर रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जिस किसी ने भी कीर्ति पर ये हमला किया है उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। बेटा कीर्ति के साथ? मम्मी, किसी आदमी ने घर में घुसकर कीर्ति पर हमला कर दिया है। हमला? कैसी है कीर्ति? बेटा हमें अभी उसके पास लेके चलो, हमारी बच्ची ठीक तो है। शांत हो जाइए, कीर्ति अभी आराम कर रही है, वो ठीक है। मैं आपकी बात उसे कल सुबह करा दूंगी। पर ऐसे कैसे कैसे कोई उसके ऊपर हमला कर सकता है बेटा? हमें बहुत चिंता हो रही है। वो ये कैसे हुआ बेटा? देखिए वो बब्बर शेर गैंग वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। आप बाहर तैनात रहिएगा और देखिएगा कि कोई भी अंदर ना पाए। हमारी मैडम चौकस पे हमला किया उन्होंने, अगर सामने आ गए ना तो चौके छक्के छुड़ा देंगे उनके। आप चिंता मत करिए। वरुण बेटा आप जाइए, कीर्ति के पास रहिए, ये लोग हैं ना बाहर ध्यान रखने के लिए। नहीं मम्मी, अभी मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। कीर्ति पे दोबारा हमला भी तो हो सकता है ना। आप जाइए, जाके आराम से सो जाइए, मैं हूं यहाँ पे। जाइए। जब कीर्ति को कल सुबह होश आएगा तो पूछूंगा उससे उस आदमी के बारे में जिसने उस पर हमला किया। कीर्ति को जान से मारने की कोशिश की है ना उसने, छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर मिल गया तो जान से मार दूंगा। कीर्ति पे जानलेवा हमला? लेकिन ऐसे कैसे कोई भी घर में घुस सकता है? बेटा हमलावर के बारे में पता चला कुछ? नहीं चाचू, जब कीर्ति को होश आएगा तो वही बता पाएगी कि वो कौन था। बहुत ही खतरनाक बात है बेटा, जरा सी कीर्ति अकेली क्या रही, उस पर जानलेवा हमला हो गया। इसीलिए भैया दो सिपाही दिन रात तैनात घर से ही चिपके रहेंगे। अब मैं कह रहा था कि कीर्ति भाभी जी को 48 घंटों में चोरों को पकड़ने की चुनौती की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब चोर के अहंकार को ठेस पहुंची होगी और देखिए बदले में उसने क्या कर दिया। बदले की भावना और अहंकार में इंसान अक्सर गलती कर बैठता है, उसे जेल भिजवाने से कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धा तुम? श्रद्धा तुम कीर्ति के बहाने फिर से वापस घर में आ गई? मैं अभी यही हूँ। क्या तुम डॉक्टर से ज्यादा ख्याल रखोगी कीर्ति का? अपनी बहन के ससुराल में वापस आना चाहती हो फिर से? तुम्हें ये किसने कहा कि मैं कीर्ति के ससुराल में रहने आई हूँ? कहना क्या चाहती हो तुम ऊपर वाले घर में रहोगी? तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर चुका हूँ मैं, किस हक से रहोगी मेरे घर पे? पत्नी के हक से। कैसी पत्नी? कौन सी पत्नी? कुछ भी बोल रही हो? अच्छा कुछ भी बोल रही हूं मैं, सबूत देखना चाहती हो तुम? श्रद्धा भाभी जी, मानना तो पड़े कि हर बार कुछ नया लेके आते हो और सबकी होश उड़ा देते हो। सबूत? अरे तुम किस सबूत की बात कर रही हो? ये क्या नाटक है श्रद्धा? अपना हक ही तो दिखा रही हूँ, देखिए ना।
ही क्या है, आप दोनों अपनी शक्ल देख रहे हैं कैसी हवाइयां उड़ गई हैं। ये रेंट अग्रीमेंट है। क्या करूं मैं रेंट अग्रीमेंट का, तुम्हारे सारे पैसे दे चुका हूं मैं। इस अग्रीमेंट के दूसरे पन्ने के पांचवी लाइन को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है अगले 6 महीने तक आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। अब आप चाहें तो जो पैसे आपने मुझे दिए हैं उसे आप वापस ले सकते हैं। हाँ हाँ मुझे याद आया बेटा, श्रद्धा ठीक कह रही है। हाँ और अगर हमने इसे घर से निकालने की कोशिश की तो वो कोर्ट में भी जा सकती है राइट। और अब है बेटा, अगर हम कानून के खिलाफ गए तो अफसर बहू रानी का तो खून खौल जाएगा, बिचारी ने अभी अभी अपना खून बहाया है। आओ आओ बेटा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप हमारे साथ ही रहेंगी। और अगले 6 महीने के किराए मुफ्त में नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। मैंने अपना सामान कमरे में रख देती हूँ और कीर्ति के लिए कुछ बना भी दूंगी। वापस आई हो हाँ? और अब मेरे को क्यों छीना चाहती हो मेरे से हाँ? मैं इस घर में अभय की पत्नी के तौर पे नहीं बल्कि इस घर की बहू की हैसियत से आई, और आज भी कानूनी तौर पर मैं इस घर की बहू। अच्छा, जब वापस चली गई थी तब ये बहू का हक तुम्हें याद नहीं आया था? इस घर के बेटे को अभय को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए मुझे लौटना पड़ा रोशनी, और कोई है जो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बोलो श्रद्धा, जवाब दो, चुप क्यों? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती रोशनी। और हाँ, अभय से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम, तो प्यार का सबसे पहला उसूल सीख लो जो होता है विश्वास। मुझ पर नहीं तो अभय पर तो विश्वास रखो। तनुजा भरोसा रखी, अगर श्रद्धा लौटी है तो कुछ सोच समझ कर ही लौटी होंगी। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें अभय की चिंता नहीं है। भाभी, श्रद्धा का हर कदम अभय और इस परिवार की भलाई के लिए ही उठा है। अभी के लिए हम कीर्ति रानी की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अगले 48 घंटे में अगर हमने एक एक चोर को पकड़ के जेल के अंदर नहीं डाला ना, तो हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे।
कानपुर के पॉकेट से आई कार्ड जैसा कुछ गिरा था, यही कहीं होगा, हमें ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो बहुत बड़ा सबूत होगा। कहाँ पे दिखा था? हमारा शक सही निकला, अपर शेर गैंग का लीडर हमें। ये क्या कीर्ति? ये उस चोर के पॉकेट से गिरा था जिसने हम पे हमला किया। ये तो अभय का आई कार्ड, यानी कि तुम पे हमला करने वाला और कोई नहीं अभय। तरानी का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है कीर्ति। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब चोर ने तेरे ऊपर हमला किया था। कितनी चोट आई है तुझे? तू बाहर क्यों चली आई? चल जा, आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नीरू, अगर आपको हमारी इतनी फिक्र है तो हमसे पहले पूछिए तो कि हम पे हमला करने वाला था कौन? कौन था? तू ही है ना वो जिसने कीर्ति पे हमला किया। कितना गिरेगा बे? तूने अपनी भाभी पे चाकू से वार किया, उसकी जान लेना चाहता था तू। अबे चाहे क्या ऐसा? कीर्ति तू ऐसा सोचती है अभय के बारे में? सोच नहीं रहे दीदू, अभय के खिलाफ जो सबूत है वो हमें बता रहे। आप ही देखिए, शायद आपको यकीन हो जाए। आज पहली बार मन भारी हुआ चोरी करते हुए। हमने हमेशा काला धंधा करने वाले जो गरीबों का पेट काट के अपना माल बनाते हैं उन्हें लूटा है और वो पैसा गरीबों में वापस पहुंचाया है। ये सिर्फ एक आई कार्ड है कीर्ति, कहां से आया, कैसे आया ये कोई नहीं जानता है। तू सिर्फ ये देख रही है और अभय पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। हमें लगा था कि आपकी खुद की बहन पे हमला हुआ है, शायद ये देख के आपके आंखों पे जो बंधी हुई पट्टी है वो खुल जाएगी, पर हम गलत थे। क्योंकि आपने ना दीदू बहुत पहले अभय के खिलाफ कुछ भी सुनना, समझना, देखना छोड़ दिया है। बस कीर्ति, नहीं परसों में तू अभय को सिर्फ इतना ही जान पाई, एक आई कार्ड देखा तूने और फट से ही मान लिया कि ये सब अभय ने किया है। देख कीर्ति, तू अभी सब कुछ ना सिर्फ गुस्से में देख रही है। गुस्से में अंधा हो गया क्या? सोच समझ कर तो बोल, दिमाग को खोल अपने। मैं भाभी पे हाथ नहीं उठा सकता और चाकू मारूंगा उन्हें। अंधा तो मैं पहले हो गया था भाई, अपने भाई के प्यार में। ना कीर्ति को तो शुरू से तुझ पे शक था पर मैंने ही नहीं माना, लेकिन आज आज अभी तूने सारी हदें पार कर दी है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बस कर वरुण, कैसे बात करेगा तू अपने बड़े भाई से? कैसे बात करेगा? इतनी हिम्मत हो गई है तुझे? बहुत हो गया, अब मैं भी नहीं सुनूंगा। नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? जैसे अपनी भाभी को चाकू मारा है वैसे ही अपने बड़े भाई को भी चाकू मारेगा। बोल।
बोलने के लिए अब तो कुछ बचा ही नहीं दी, क्योंकि ठोस सबूत को भी आप बस हमारा गुस्सा बता रही हैं। कहीं से भी गिरा हुआ आयकर उठा लेना, ठोस सबूत नहीं होता है कीर्ति। मैं अभय को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। माफ करिएगा दीदू, पर हमें पहले लगता था ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभय नहीं कर सकता, जैसे आपके अलावा किसी और से प्यार करना। पर किया अभय ने, किसी और के लिए आपको घर से बाहर निकालना। पर किया अभय ने, दूसरों के घर में चोरी करना। पर किया अभय ने, हम पे हमला करना। पर किया अभय ने, सब कुछ अभय ने ही किया है दीदो। आज बहुत खुशी हो रही है कीर्ति, ये जानकर कि तू बहुत बड़ी अफसर बन गई है। अब तेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये मायने नहीं रखता। अब तेरे लिए मायने रखता है तो सिर्फ सबूत। उसके लिए तो किसी बीमार को भी सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अब तू किसी रिश्ते को जोड़े रखने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मेडल पाने के लिए मेहनत करती है कीर्ति। लेकिन अगर हमने अभय को सबके सामने लेकर आ गए तो हमें मेडल भी मिल सकता है। मेरे रहते मैं ऐसा हमें नहीं दे सकती। ऐसा होगा नहीं, और अगर आप बीच में आई तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी बहन है। पिछले कई दिनों से हर रात तुम घर से बाहर होते हो, बताओ कहाँ थे तुम कल रात? बोल अभय, कल रात को तू कहाँ था? बताता क्यों नहीं? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।